कोरोना काल की भयावह महामारी में कितनों ने अपनों को खोया। किसी ने अंतिम बार पिता को देखा तो किसी ने माँ को। अपनों को खोने की पीड़ा इस प्रकार है जो बयां भी ना की जा सके। यह कहानी उन्हीं की है जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में खुद को संभाला और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। यह कहानी है द छोले सिस्टर्स। मेरा नाम उर्वशी जैन है। एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर, हम दोनों मिलकर ये फूड स्टॉल चलाते हैं। ये मेरा काउंटर है टेस्ट ऑफ दिल्ली, जिसे हमने जून मिड में स्टार्ट किया था आफ्टर लॉकडाउन। तो हम यहाँ बेच रहे हैं दिल्ली वाले छोले कुलचे। इन दो बहनों ने मिलकर सारे समाज के सामने आत्मनिर्भरता एवं महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। इन्होंने किसी भी पारिवारिक या सामाजिक साथ के बिना अपने जीवन को संभाला एवं सार्थक बनाने का पूर्ण प्रयास किया। एक्चुअली हम लोग सिंगल रहते हैं, हमारा एक बेटा भी है 9 साल का। तो मैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड नहीं है और मेरी सिस्टर भी सेपरेट रहती हैं, तो हम लोग अकेले ही ये फूड स्टॉल को चला रहे हैं। हमारे जो छोले कुलचे हैं वो एक्चुअली दिल्ली वाला फूड है, जो दिल्ली में बहुत पसंद किया जाता है। वहाँ का आम इंसान को तो ये छोले कुलचे ही चाहिए। तो ये हम भोपाल में लेकर आए हैं। ये वाइट सफ़ेद कलर होता है, ये उसका बनता है। छोला स्टॉल लगाने का सही मतलब मकसद यही था, प्रमुख मकसद जो था हमें भारतीय खान पान को बढ़ावा देना। जो फास्ट फूड के पीछे लोग इतना भाग रहे हैं, भारतीय खान पान को भूलते जा रहे हैं। अपने जोश और जज्बे के बल पर न केवल इन्होंने एक व्यवस्थित स्टॉल खोली, बल्कि पारंपरिक खान पान को बढ़ावा एवं फिर से उनकी पहचान उजागर करने का कार्य भी किया। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प रखकर इन्होंने डिजिटल इंडिया को भी सहयोग किया है। जब हमने ये फूड स्टॉल लगाया, पहले दिन हम लोग काफी डरे हुए थे कि हम यहाँ लगाएंगे, लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जब हम लोगों ने यहाँ लगाया तो आसपास के लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और हमारे कस्टमर्स को स्पेशली बहुत ही अच्छे कस्टमर्स आते हैं। गर्ल्स बॉयज जितने भी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, मतलब बहुत बहुत हमें सपोर्टिव आते हैं। हमने फीमेल वेंडर को देखते हुए कि अच्छा स्टॉल उन्होंने सेटअप किया है, इसलिए हमने कहा फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ छोला कुलचा ट्राई किया, दाल पकवान ट्राई किया, तो दोनों बेस्ट हैं, बढ़िया अच्छे से सेटअप किया है। अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। एक्चुअली हम लोग लाइट खाना पसंद करते हैं, तो हमको दाल पकवान ज़्यादा अच्छा लगा। जो लोग स्पाइसी पसंद करते हैं उनके लिए छोला कुलचा बेस्ट है। द छोले सिस्टर्स जैसे ही कई लोग देश के कई जगह पे मौजूद हैं। अब वक्त है इन लोगों के काम और मेहनत को पहचान देने का, इनको इनके हिस्से का सम्मान देने का। समाज की इनके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका सहयोग करें, इनके जोश और जज्बे की सराहना करें। ऐसे लोग हमें जिद करके दुनिया बदलने की प्रेरणा भी देते हैं।